आज 21 जून 2020 आज था एनुअल सोलर इक्लिप्स, जो बहुत सालों में एक ही बार दिखाई देता है। ये ओरिजिनल फुटेज है, देखिए। सोलर इक्लिप्स होने के लिए तीन चीज़ चाहिए। एक तो ये सन जो हमें धूप देता है, दूसरा है मून चांद जो रात को जलता है, हम लोग देख के खुश हो जाता हूँ, और एक हमारा पृथ्वी आर्थ जिधर जिंदगी है और खुशियाँ भी है, सब कुछ है। ये तीनों चीज़ इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में घूमता रहता है। इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में घूमते हुए जब पृथ्वी के नज़दीक चांद आता है उसको पेरिहेलियम बोलता है इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में, और पृथ्वी से जब दूर चांद रहता है उसको एपोजी बोलता है। अभी चांद ऐसा है कि पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हुए चांद का 8 दशा होता है, जिसका टोटल 27 दिन लगता है, और जिस दिन एक्लिप्स होता है उसको न्यू मून बोला जाता है। न्यू मून के दिन जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चांद आ जाता है तब उस दिन सूर्य ग्रहण हो जाता है। और कहाँ पे पार्टल एक्लिप्स दिखा जाता है और जिधर इसका चांद का छाव गाढ़ा होता है उधर पूरा एक्लिप्स देखा जाता है। एक्लिप्स तीन टाइप का होता है, टोटल एक्लिप्स, पार्टल एक्लिप्स और एक्चुअल एक्लिप्स।